कहने लगी, आपका घर ऐसा है, आपका घर वैसा है, मेरी बच्ची एडजस्ट नहीं हो सकेगी, ये बहुत बड़े घर की आदी है। मैंने बहुत बर्दाश्त किया, पता है, बड़े चालाक है ये लोग, और दोनों माँ बेटियां तो बला है, मेरे मासूम बच्चे को बेच खाएंगी। देख लिया, लालच बुरी बला है। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे दूसरा निकाह मैंने पढ़वाया हो। सोचना भी मत। अच्छा, तुम दोनों क्यों चोंचे लड़ा रहे हो? मेरा भूख से बुरा हाल हो रहा है, कुछ खिला दो, बहुत भूख लग रही है। हाँ दादू, मैं बस 2 मिनट में लेकर आती हूँ। दादू और बताइए, क्या क्या हुआ वहां पे? कल रात को जो कुछ भी वहां पे हुआ है, तुम्हारी दादी ने तुम्हें अब तक बता तो दिया होगा। तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक ठाक खराब हो गई थी, बड़ी मुश्किल से नींद की गोली देके सुलाया। अपनी बीवी से कहना कि आज कोई तमाशा खड़ा ना कर दे, उल्टी सीधी बात ना करे। अच्छी तरह जानते हो तुम, एक दफा तुम्हारी माँ की तबीयत खराब हो गई ना, तो उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। समझ आई बात मेरी? देखे पापा, मैं वादा तो नहीं कर सकता, कोशिश जरूर करूंगा। क्या बात है बेटा, नई जगह पे नींद नहीं आई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा तो नहीं कि तुम सामिया को याद कर रहे हो? आंटी, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, और कोशिश करना कि सारी जिंदगी अपनी इस बात पर कायम रहना। अच्छा फरिया जैसी उठती है उसे अपने घर वालों से मिलवा लो, और याद से अपना पासपोर्ट लेते आना। मैंने तुम लोगों के लिए एक हफ्ते का मालदीव का ट्रिप प्लान किया है, जाओ जाके हनीमून मनाओ, एंजॉय करो अपनी लाइफ को। और वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिजर्वेशन हो गई है, वीजा ऑन अराइवल है। ओके okay?